ज्वाला जी के लिए होशियारपुर से गौरीपुर डेरा होते हुए आइए हम ज्वाला देवी के दर्शनार्थ चलें। डेरा से लगभग 20 किलोमीटर की दूरी पर है श्री ज्वाला जी का मंदिर। कांगड़ा से लगभग 2 घंटे में बस द्वारा ज्वाला जी देवी तक पहुंचा जा सकता है। 51 शक्तिपीठों में सर्वोपरि माना जाता है ज्वाला देवी का ये पवित्र धाम। यहां माता सती की जिभ्या गिरी थी। 51 शक्ति पीठों में ज्वाला सर्वोपरि, ज्वाला सर्वोपरि। कहते हैं भगवती सती की जिह्वा यही गिरी, जिह्वा यही गिरी। ओ माँ ज्वाला की ऐसी महिमा, ईंधन बिन ज्योति जली। पर्वत की चट्टान से 9 विभिन्न स्थानों पर बिना किसी ईंधन के यहां स्वतः ज्वाला प्रज्वलित होती रहती है। इस मंदिर के बारे में ऐसी दंत कथा प्रचलित है कि सतयुग में सम्राट भूमिचंद्र ने ऐसा अनुमान किया कि भगवती सती की जिभ्या भगवान विष्णु के चक्र से कटकर धारीदार पर्वतों पर जा गिरी है। जिभ्या ढूंढने के अनेक असफल प्रयासों के बाद उन्होंने भगवती सती के नाम से एक मंदिर बनवा दिया। कुछ वर्षों के बाद एक ग्वाले ने उन्हें सूचना दी कि अमुक पर्वत से निरंतर जलती ज्योति दिखाई पड़ रही है। महाराज ने स्वयं उस स्थान के दर्शन किए और छौर वन में मंदिर का निर्माण करवाया। यहां 9 रूपों में ज्योति प्रज्वलित है। मंदिर के सामने जो मुख्य ज्योति सुशोभित है उसे महाकाली का रूप माना जाता है। इस तीर्थ पर भक्तों की श्रद्धा का एक और केंद्र है गोरख डिब्बी। यहां एक छोटे से कुंड में निरंतर जल खालता रहता है। छोटे कुंड के ऊपर धूप की जलती बत्ती दिखाने पर जल के ऊपर बड़ी ज्योति दिखाई पड़ती है। देखने में गर्म प्रतीत होने वाला जल वास्तव में बिल्कुल ठंडा होता है। कहा जाता है कि एक बार गुरु गोरखनाथ जी इस स्थान पर आए। यहां पर उनके लिए मांसाहारी भोजन उपलब्ध था, लेकिन गुरु गोरखनाथ जी उस भोजन को छोड़ स्वयं खिचड़ी की भिक्षा मांगने चले गए। भिक्षा मांगते मांगते एकांत स्थान पाकर तप में लीन हो गए।
कहते हैं, तभी से ये जल खौलता है परंतु गर्म नहीं होता। ज्वाला देवी और ध्यानु भक्त की कथा यहां के जन जन में प्रचलित है। कहो भाई, क्या कष्ट है? कौन हो तुम? कहाँ जा रहे हो? मेरा नाम ध्यानु है और मैं माता के दर्शन के लिए जा रहा हूँ। चलो, तुम्हें बादशाह सलामत ने बुलाया है। बादशाह ने? मगर क्यों? वो वही चल के पता चलेगा। चलो चलो, चलो। बादशाह की जय हो। बादशाह ने हमें याद किया? हमने सुना है तुम गांव वालों को साथ लेकर देवी के दीदार के लिए जा रहे हो। हुजूर, हम तो माँ ज्वाला माई के दर्शन के लिए जा रहे हैं। ज्वाला माई? ये नई देवी कौन है? ज्वाला माई संसार को रचने वाली एक कल्याणकारी माता है, जो कि अपने भक्तों की मनोकामना को पूर्ण करती है। अच्छा, तब तो हमारी मनोकामना भी जरूर पूर्ण करेगी। हाँ हाँ, क्यों नहीं। याद रहे धानु, अगर तुम्हारी माता हमारी मनोकामना पूरी नहीं करती है तो तुम्हें यह मानना पड़ेगा तुम्हारी इबादत झूठी है, तुम्हारा धर्म झूठा है। बोलो, इम्तिहान के लिए तैयार हो? भक्त कभी माता का इम्तिहान नहीं लेते, बल्कि उन पर आस्था रखते हैं। तो ठीक है, मैं अपनी तलवार से घोड़े के सिर को अलग कर देता हूँ। अगर तुम्हारी देवी सच्ची है तो घोड़े का सिर अपने आप जुड़ जाएगा। ध्यानु, हमने घोड़े का सिर अलग कर दिया है। अगर तुम्हारी देवी सच्ची है तो उस घोड़े को जीवित करके दिखाए, वरना हम तुम्हारी बलि चढ़ा देंगे। जैसी ज्वाला माई की इच्छा। हे माँ, हम भक्तों की लाज रखो माँ। आज भक्तों की श्रद्धा पर आँच ना आने पाए माँ, हमारी विनती सुन लो। इस घोड़े को पुनः जीवित कर दो माँ, जीवित कर दो, जीवित कर दो। उसने माता से बारंबार घोड़े को पुनर्जीवित करने की विनती की। अंत में जब उसे लगा कि माता ने उसकी विनती नहीं सुनी, तो वो दुखी होकर अपना सिर काटकर माता के चरणों में समर्पित करने लगा। मेरी बार बार प्रार्थना करने के बाद भी आपने मेरी एक न सुनी। इससे पहले कि लोग मेरी आस्था की हंसी उड़ाएं, मैं अपने प्राणों को त्यागता हूं।
शीश काट निज ध्यान भगत ने शीश काट निज माँ को किया अर्पण कर लो ना देवी दर्शन कर लो ना देवी हे पुत्र मैं तुम्हारी सच्ची भक्ति से अत्यंत प्रसन्न हूँ। मैं तुम्हें तुम्हारा सिर ही नहीं बल्कि उस घोड़े को भी पुनर्जीवित करती हूँ। हे माँ, आपके दर्शन पाकर मैं आज धन्य हो गया। आपकी जय हो माँ, आपकी जय हो, जय हो। हम तुम्हारी इबादत की कद्र करते हैं और दिल से तुम्हारी ज्वालामाई को मानते हैं। जय हो ज्वालामाई की। यहां माता की पूजा तीन प्रकार से होती है। एक पंचोपचार, दो दशोपचार, तीन षोडशोपचार। माता की आरती प्रतिदिन 5 बार संपन्न होती है।